सेट्स हैं और अंदर सारे थे, तो कहने का पता है आपको बताया गया ये पर्टिकुलर कैरेक्टर है और इट वॉज अ पॉजिटिव कैरेक्टर. कहीं ना कहीं मैं जो कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ उसका नाम है यूसुफ रंगून वाला. ही इज़ एविएशन के हेड हैं, जो पायलट एसोसिएशन के हेड हैं, एंड ही इज़ हेल्पिंग अजय सर कैरेक्टर विच इज़ विक्रांत. तो उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम से निकालने में मदद कर रहे हैं. एंड ही इज़ अ फैमिली फ्रेंड ऑल्सो, सो दैट्स अ कैरेक्टर विच आई प्ले. आई हैव ऑलवेज बीन लिटिल पर्टिकुलर ऑन दैट, क्योंकि लोगों के साथ ऐसा होता है, लोग बताते रहते हैं कि भाई मेरे साथ ऐसा है. कहीं ना कहीं व्हेन आई स्टार्टेड विद ऑल रोमांटिक शोज, तो मुझे याद है कि एक रोमांटिक शो खत्म हुआ तो दूसरा भी वही आया, मैंने फिर किया. फिर थर्ड शो वॉज ऑल्सो रोमांटिक शो, कहीं ना कहीं वो वी डिड दैट ऑल्सो. लेकिन उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि सारे शोज एवरी बडी कॉल्स मी फॉर अ वेरी रोमांटिक एंड यू नो कैरेक्टर विच इज अ कैसानोवा एंड दिस एंड दैट. तो मैंने उसके बाद तुरंत एक साक्षी एक्शन शो किया. ऑन अ पर्पज आई डिड दैट शो, एंड व्हेन आई डिड दैट शो द नेक्स्ट शो वॉज अगेन एन एक्शन शो. सो आई डिड कपल ऑफ दोज, देन आई एंटर्ड इन समथिंग डिफरेंट जहाँ मैं सरदार बना था, फिर मैंने एक मुस्लिम कैरेक्टर किया. तो आई हैव बीन जंपिंग लाइक दैट एंड डूइंग डिफरेंट थिंग्स. कोई आपसे पूछता है कि भाई आप आजकल क्या कर रहे हैं आप, तो मुझे बताना है कि यार मैं ये कर रहा हूँ. नो, आई डू इट फॉर माई सेल्फ, इट गिव्स मी हैप्पीनेस, आई डू इट बिकॉज एंड ऑफ द डे वॉट मैटर्स कि आप अब काम पर जाते हैं तो खुश हों, जो आप कर रहे हैं दिल से करें वरना ना करें. सो इट्स मोर ऑफ दैट, यू नो वी डोंट नीड टू डू इट फॉर पीपल, वी नीड टू डू इट फॉर आवरसेल्फ. सून यू विल गेट टू नो मोर थिंग्स एंड विल टॉक अबाउट दैट. और मैं फैन से यही कहना चाहूँगा कि इतने सालों से जो दिल से चाहते हैं और सराहते हैं हमारे काम को, इसी तरीके से कीप अप्रिशिएटिंग आवर वर्क, व्हाट यू लाइक, एंड कीप रिस्पॉन्डिंग अकॉर्डिंगली. एंड यस ऑफ कोर्स, रनवे 34 इज गोइंग ऑन नियर ऑल सिनेमाज नेक्स्ट टू योर हाउस और वेयर एवर इट इज, गो एंड वॉच. एंड ऑफ कोर्स अपना व्यू दीजिए, अपना ओपिनियन रखिए कैसी लगी फिल्म और कैसी डायरेक्शन आपको और एक्टिंग कैसी लगी, आप जरूर बताइए. और कीप ऑन वॉचिंग.